हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो बाइक आपके सामने खड़ी है बजाज की प्लैटिना 100 सीसी, बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक और 100 सीसी की गाड़ियों में बिकने वाली दूसरे नंबर की गाड़ी। ये गाड़ी जो आई है ये है सेकंड हैंड गाड़ी 2018 मॉडल की और ये है बिकाऊ। मैं आपको बता देता हूँ अभी कितनी चली है, कितनी डिमांड है। एक बार पहले आप देख लीजिए पास से, कोई स्क्रैच वगैरह जो आप देखना चाहें। ये गाड़ी बिना धुले आई है मेरे पास, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टिकर थोड़ा सा यहाँ से आपको पुराना है, क्योंकि भाई बिकाऊ है तो आपको एक बार अच्छे तरीके से दिखना चाहिए सब कुछ। टायर की कंडीशन आप देख लीजिए, ये पिछला टायर है। आगे से ये देख लीजिए, यहाँ हल्के आपको स्क्रैच दिखेंगे, जैसे मान लो किसी गिरी हो या कहीं रगड़ लगी हो। इधर से यहाँ पर देख लीजिए, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बांध रखा है पता नहीं क्यों। आगे का टायर की कंडीशन देख लीजिए। तो ये है ओवरलुक मैंने आपको दिखाई, 100 सीसी की बाइक है, 2018 मॉडल है, वर्किंग गाड़ी है, सही चल रही है। मैं चला कर लाया हूँ पिछले 10 किलोमीटर से इसको। ये स्टैंड सही है, ये भी है, ये स्टैंड भी वर्किंग है। स्टार्ट करके आपको साउंड सुना देता हूँ। इंडिकेटर क्यों नहीं चल रहा इसका? सामने का इंडिकेटर इसका मुझे लग रहा है आगे वाले का बल्ब खराब है शायद, पीछे वाला जल रहा है। सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर पीछे वाला इंडिकेटर है इसका, ये भी चल रहा है। इधर वाला शायद इसका आगे का बल्ब खराब है, वो कोई इतना भारी काम नहीं है। फॉरन वर्किंग है आपका, आगे की लाइट जला करके देख लेते हैं। आगे का बल्ब आपका ये वर्किंग है, दिन का टाइम है तो इतना दिख नहीं रहा। चलो यहाँ से बंद कर देते हैं। गाड़ी चली है देखो आप 20,747 किलोमीटर, यानी कि आप 21,000 मान लीजिए टोटल, मोटा मोटा एवरेज जो इसकी है प्लेटिना की। देखो आपको पता ही है गाड़ी जानी जाती है ये सिर्फ और सिर्फ एवरेज की वजह से। इसकी गाड़ी की एवरेज 70 किलोमीटर की, तो आप कम से कम मान के चलो 70 से 75 की ये एवरेज दे देती है। और बहुत ही सामने से इसका लुक देखोगे तो अच्छा, ये एक अच्छा हेडर इसका जो बड़ा है, नीचे आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, इधर हाइलोजन लाइट मिल जाती है आपको, और सामने बड़ा टायर मिल जाता है, एलॉय व्हील के साथ आता है। सामने की तरफ आपको व्हाइट इंडिकेटर दिखते हैं जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, इसके शोकर डबल शोकर आते हैं जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है, और कम्फर्टेबल के मामले में ही ये बाइक जानी जाती है। सीट इसकी काफ़ी लंबी है, आप 3 बंदे इसमें आराम से बैठ करके सफ़र ट्रैवलिंग कर सकते हैं। छोटी मोटी 2 बंदों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। बजाज की प्लेटिना गाड़ी है, 100 सीसी की गाड़ी, यहाँ पर अगर कोई लेडीज बैठती है तो उसको भी कोई डिसकंफर्टेबल नहीं होगा। ये देखिए, ये भी फुटर बहुत अच्छे दिए रखे हैं इसके साइड में, आगे के ड्राइवर साइड के फुटर ये हो गए। पीछे से देखिए, पीछे भी आप आ जाएंगे तो दोनों व्हाइट इंडिकेटर मिल जाएंगे, यहाँ पर रेड लाइट मिल जाएगी आपको, ये वाला कैरियल मिल जाता है इसमें जो हमें आफ्टर मार्केट से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा 100 सीसी की जो गाड़ी आती है, स्प्लेंडर प्लस आती है, उसमें हमें आफ्टर मार्केट ये काम करवाना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सीट सही कंडीशन में है, फटी हुई नहीं है, ये ऊपर कवर लगा हुआ है। ये टंकी आ जाती है इसमें 10.5 लीटर की, एक बार में आप लगभग 10.5 लीटर का पेट्रोल इसमें भरवा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सफिशियंट होता है किसी भी लंबे रूट तक के लिए भी। और ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, ब्रेकिंग ठीक है इसकी, अगली वाली पीछे की ब्रेक भी इसकी सही है, अच्छी कंडीशन में है। एक बार किक से स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो देख ले आप, पहली किक में ही ये स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसका लॉक चेंज हुआ है, ये नया लॉक लगा हुआ है, ये इसकी नई चाबी है। यहाँ पे आप इसकी टंकी का लॉक चेंज नहीं हुआ है, पुरानी गाड़ी की चाबी से ही टंकी का यूज हो रहा है।
तो ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। आगे सिद्धू मूसेवाला की फोटो लगी है। तो यही था दोस्तों गाड़ी का एक ओवरलुक, मैंने जो आपको बताया गाड़ी के बारे में बताया। गाड़ी एक बार शायद गिरी है, जो ओनर का कहना है कि एक बार ये फिसल गई थी उनके भतीजे से, तो गिर गई थी तो ये टूट गया था। और दूसरी चीज आपको मैंने बता दी, 21,000 किलोमीटर आप मान के चलिए कि चल रखी है और गाड़ी चलाने में स्मूथ है। इसका चैन सॉकेट अभी चेंज हुआ है, टायर दोनों अभी ठीक हैं, चल जाएंगे मेरे ख्याल से कुछ हजार किलोमीटर तक तो चल जाएंगे। बाकी इंजन में अभी तक इसके कोई दिक्कत नहीं आई है। इसका फर्स्ट थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस हो रखा है, 2 साल का अभी बाकी है, मतलब 2 साल तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस में ही रहेगी। तो अगर आप फर्स्ट पार्टी करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। और जो इस गाड़ी की डिमांड रखी गई है, मतलब जो मांग की गई है, वो 30,000 रुपये करी गई है और सिंगल हैंड गाड़ी चली हुई है, 30,000 की मांग है। ये है रुद्रपुर उत्तराखंड, पिन कोड 2631353। अगर कोई भाई इच्छुक हो तो आप, मैं इंस्टाग्राम का लिंक भेज दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट बंदे का नंबर दे दूंगा जिसका, जो गाड़ी का ऑनर है। तो यही है, आप अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बात करवा दूंगा। लेकिन ज़्यादा दूर तक तो ले जाना ठीक नहीं रहेगा, जो भी नियर का अगर कोई बंदा हो, लेने का इंटरेस्टेड हो, तो मैंने आपको एक गाड़ी प्लेटिना का ओवरलुक दे दिया है, इसका प्राइसिंग बता दी है। तो यहीं रखते हैं दोस्तों, मैंने सोचा आपको एक बार चला करके भी दिखा देता हूँ, सामने का मीटर वगैरह वर्किंग है या नहीं है। तो आप देख सकते हो स्पीडोमीटर सही काम कर रहा है इसका, और स्पीडोमीटर अगर आप देखो तो आप सोचते हो कि पेट्रोल कैप का ना हो, लेकिन तो इसमें गाड़ी में फ्यूल है, यानी कि इसका ये वाला मीटर भी वर्किंग नहीं है। तो आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि स्पीड मीटर इसका काम कर रहा है और ये वाला काम फ्यूल मीटर काम नहीं कर रहा है। बाकी चलने में स्मूथ है, जैसे ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब इतने हजार किलोमीटर भी गाड़ी चली हुई है, नहीं कि जैसे ही परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस के हिसाब से जैसे मैं आपको बताऊं तो ठीक है गाड़ी की, और पिकअप भी अच्छा है गाड़ी का। वीडियो को एंड कर देते हैं भाइयों, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो भी कैसी लगी आपको। जय हिंद।